भावेश जोशी सुपर हीरो, अरे बाप रे, इसके पास क्या शक्तियां होंगी? आया ना दिमाग में आपके एक क्वेश्चन, चलिए बताता हूँ। ज्यादातर हम सुपर हीरोज को देखते हैं तो उनके पास या तो एक हथौड़ा होता है, बड़ा सा हैमर होता है, या फिर एक ऐसा आर्मर होता है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है, या फिर वो अलग ही एक ग्रीन बड़े जायंट में बदल जाते हैं, या फिर दोस्तों उनके पास माइंड स्टोन होता है जो कि मैजिकल दुनिया में पूरा प्रवेश करते हैं, मैजिक करते हैं। लेकिन हमारे ये अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा जो हीरो है, सुपर हीरो है, मुंबई का रखवाला भावेश जोशी, इसके पास ये सारी कुछ चीजें नहीं है। ये ब्लड और हार्ड मास का बना हुआ है, इसके रगों में खून दौड़ता है दोस्तों, लेकिन इसके इरादे हैं मजबूत जो कि सुपर हीरो की तरह है। जी हाँ, सुपर हीरो पैदा नहीं होते, बनते हैं। इस फिल्म का मेन थीम है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि फिल्म में क्या है खास। आप फिल्म को देख सकते हैं या फिर ठीक है स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा, राहुल भाई फिल्म कैसी है वो बताओ। देखो जी, ऑनेस्टली बताऊं तो फिल्म है ना बहुत अच्छी लगी मेरे को। फिल्म में एक एक चीज को दिखाया गया है, जो मुंबई की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से करप्शन है, वो सारी चीजों को बखूबी से दिखाया गया है। लेकिन फिल्म है ना मात खा जाती है, क्यों? क्योंकि फिल्म लंबी खींच दी गई है च्युइंगम की तरह। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की टाइमिंग बहुत ज्यादा है, रेपिटेटिव सीन्स हैं फिल्म में, मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कि ज्यादातर फिल्मों में होती हैं, मतलब फिल्मों को जो लंबा बना देती है च्युइंगम की तरह। अब भाई गाने क्यों ऐड कर रहे हो आप? गाने क्यों ऐड कर रहे हो? गाने मत ऐड करो ना, अगर आप सुपर हीरो फिल्म बना रहे हो तो गाने मत ऐड करो। लेकिन फिल्म का इंटेंशन बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली इस तरीके की फिल्में पसंद आती हैं जो कि समाज में जो मुद्दे होते हैं ना, जैसे कि करप्शन हो गया, जो जिस तरीके से जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार के किस्से हम सुनते हैं, उनके खिलाफ कोई बंदा आवाज उठा रहा है, उनके खिलाफ कोई बंदा लड़ रहा है। आई सैल्यूट टू दी स्टोरीज और मुझे पर्सनली कहानी पसंद आए, लेकिन जो फ्लॉज हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे राहुल भाई एक्टर्स का काम कैसा है वो बताइए। देखिए जी, एक्टर्स में तो सबसे पहले तो जो भावेश जोशी बने हैं उनका नाम मैंने लिखा है, उनका नाम है प्रियांशु पन्यूली। प्रियांशु ने अमेजिंग एक्टिंग की है, यहां तक कि फिल्म के मेन हीरो जो कि हमारे अनिल कपूर साहब के बेटे हैं हर्षवर्धन कपूर, उनसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रोल छोटा हो गया उनका और यहां पर अनिल कपूर के बेटे का रोल बड़ा हो गया है। हर्षवर्धन कपूर की सेकेंड फिल्म है दोस्तों और वो हमें निराश नहीं करते हैं। हाँ, फिल्म में एक दो सीन्स हैं जब लगता है कि भैया थोड़ा सा पापा जी से एक्टिंग सीख लो आप, लेकिन पूरी फिल्म फिर उसके बाद इंटरवल के बाद तो पूरी फिल्म उनके कंधों पर आ जाती है। हर्षवर्धन कपूर के जो इनोसेंस है, हर्षवर्धन कपूर के जो एक्शन सीन्स है, वो दिलचस्प है और वो हमें सीट पर बांधे रखते हैं। फिल्म में दोस्तों एक रजत करके भी कैरेक्टर है जिसे आशीष वर्मा ने प्ले किया है, वो भी बहुत इनोसेंट है और वो हमें पसंद आता है, हम एंजॉय करते हैं। ओवरऑल ये तीन दोस्तों की कहानी है, किस तरीके से एक कॉमिक बुक बनाता है, फिर ये दोनों मिलके, यानी कि सिक्कू सिकंदर नाम है हाँ इसमें हर्षवर्धन के कैरेक्टर का, और दूसरे का नाम है भावेश जोशी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इंसाफ मैन, जो कि जगह जगह इंसाफ कर रहे हैं। कोई जैसे पब्लिकली टॉयलेट कर रहा है उसको रोक रहे हैं, कोई पेड़ काट रहा है उसको रोक रहे हैं, पानी नहीं आ रहा उसकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वो इंसाफ मैन बनके करते हैं, बहुत अच्छी थीम लगी, मजा आएगा, एंटरटेनिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर यानी कि मिस्टर विक्रमादित्य मोटवाने। यार सच बताऊं तो विक्रमादित्य मोटवाने से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सुपर हीरो के इस फंडा को ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में उनकी फिल्म्स आप देख लीजिए, लुटेरा जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे थी, और उनकी ये ट्रैप ले लीजिए जो कि एक रियलिस्टिक कहानी थी लगभग, राजकुमार राव ने बहुत अच्छा काम किया था। तो विक्रमादित्य मोटवाने के लिए एक अलग चैलेंज था कि सुपर हीरो फिल्म बनाना, तो उनके लिए ये जो चैलेंज उन्होंने लिया, एक्सेप्ट किया और उसे बखूबी तरीके से निभाया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, एडिटिंग ले लीजिए, क्या रेजर शार्प एडिटिंग है, आपको मजा आ जाएगा। स्पेशली एक मेंशन करना चाहता हूं, एक ट्रेन चेजिंग सीन है और एक बाइक वो बनाता है, मतलब कि हमारा भावेश जोशी एक बाइक बनाता है, उस बाइक में ऐसे जैसे धूम में था ना हाइड्रोजन डाल के एकदम वू करके उड़ती थी, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, वो वू करके इधर उधर मुंबई की गलियों में, रेलवे ट्रैक्स पे, ट्रेन के अंदर ले जाता है, तो वो बहुत अच्छा सीन है। वो सीन देखकर लिटरली मजा आता है और मजा आता है लिटरली। हम तो ये तो डायरेक्टर साहब की बात है, लेकिन डायरेक्टर साहब से मुझे कंप्लेन है कि वो गाने क्यों डालते हैं, क्यों बीच में एक आइटम सॉन्ग डाला है कि तेरा चुम्मा मुझे च्यवनप्राश की तरह लगे।
नहीं यार प्लीज विक्रम सर, आपसे उम्मीदें नहीं है ऐसी। आप बहुत इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर हैं, आप अच्छे किस्म का सिनेमा बनाते हैं और भावेश जोशी में आपने प्रूव किया है, लेकिन प्लीज आइटम सॉन्ग तो मत डालिए कम से कम। ओके, अब बात करते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी साहब का है। म्यूजिक के मामले में अमित त्रिवेदी ने अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, और स्पेशली जब जो एक सुपर हीरो की ना थीम होती है, जैसे एवेंजर्स की थी ना टिडिडा 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 टिडिडा, इसकी भी एक थीम है जो कि एक बड़े बड़े ड्रम बज रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा बज रहा है ड्रम, जो कि आपके गूजबम्स क्रिएट करते हैं, आपको गूजबम्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, आपको मजा आएगा वो सुनने में। और लास्ट एंडिंग सीन में दोस्तों, लेट मी टेल यू, यहां पर जो है पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, आपको हंसी आ जाएगी। तो फिल्म अगर आप देख चुके होंगे तो उठना मत, थोड़ा रुकना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो आपको मजा आएगा, हिलेरियस है, फनी है। ओवरऑल फिल्म के अगर व्यू की बात करूं मैं दोस्तों, अपीलिंग है फिल्म, देखने में मजा आता है, लेकिन रेपिटेटिव है और फिल्म खींची हुई है, तो वो चीजें जो है इसका फ्लॉस बन सकती हैं। अगर स्टार्स की बात करूं तो आउट ऑफ 5, 3.5 बनते हैं, क्योंकि 0.5 जो ऑनेस्टी के साथ उन्होंने हमें एक यू नो क्रुसेडर देने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। एंड हाँ, शायद इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, क्योंकि एंड कुछ ऐसा बनाया गया है। ठीक है, स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा, आप जाके फिल्म देखो। तो फिल्म बता दी मैंने कैसी है क्या है, आप भी देखिए फिल्म और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे वीरे दी वेडिंग या फिर भावेश जोशी, तो आई विल रिकमेंड भावेश जोशी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ है, देखने लायक है। ठीक है, फिल्म देख के नीचे रिव्यू बताइए, स्टार्स बताइए, सारी चीजें बताइए, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज के लिए देखना ना भूले बॉलीवुड स्पाई एंड फिल्मी यारा। मैं हूं राहुल भोज।